नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब दही तड़का। जब घर में ना हो कोई सब्जी तो झटपट से बनाए यह दही तड़का। ये खाने में जितना टेस्टी लगता है इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून राई, थोड़ा सा हींग, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 3 सूखी लाल मिर्च डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा बारीक कटा अदरक डालकर मिक्स कर लेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर थोड़ी देर भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम लो करके अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और एक बढ़िया सा कलर देने के लिए 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर भून लेंगे। इन्हें बस कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है और कुछ सेकंड भूनने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम एक बाउल में 3 कप ताज़ा दही लेंगे और इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं फेंटना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमने दही को फेंट लिया है और तड़का हमारा थोड़ा सा गर्म है। अब हम दही को तड़के में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हो गया है हमारा दही तड़का बनकर तैयार। ये बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे पूरी, पराठे, पुलाव किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये क्विक रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।